एक छात्र को जैसा कि आप देख सकते हैं अभी पुलिस ले गई है। जी अगर अगर अरेस्टिंग होगा इस तरह से, अगर अरेस्टिंग होगा तो हम लोग अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हैं। कितना अरेस्टिंग करेंगे देखते हैं। अभी जो प्रशासन लेके गया है, पुलिस छिड़काव किया है, पुलिस छिड़काव कर पेट्रोल छिड़का है अपने ऊपर, वो गुस्सा था तो उसको समझाना था। अब ये लोग जो है सो उनको लेकर के गया है, कहाँ लेकर गया है, मामला बना देंगे, दफा लगा देंगे। अरे कितने नौजवानों को परेशान करेंगे। अभी नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो लोग अपना मांग रख रहे हैं, वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। अगर उसको आप और आक्रोशित करिएगा, उनको अरेस्टिंग करके साइड ले जाइएगा, अब उसको टॉर्चर कीजिएगा, उसको जेल में डालिएगा, तो आंदोलन तो और तेज होगा, आंदोलन तो और तेज होगा। आप वो पेट्रोल छिड़का तो पेट्रोल किस लिए छिड़का? वो जॉब के लिए आया है, वो भीख मांग रहा है अपनी जॉब का, तैयारी कर रहा है, उसकी परीक्षाएं बार बार रद्द हो रहा है, कभी परीक्षा लीक हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी सेटिंग गेटिंग हो जाता है। अभी आप उसको अरेस्ट करके, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर अरेस्टिंग उसकी होती है या उसको जेल में डाला जाता है तो आंदोलन बहुत भयानक रूप से होगा। चलिए तो अभी अभी आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, देखा जाए कि आप लोग की जो मांगे थी डेट तारीख तय करने की, तो मेरे ख्याल से वो तारीख तो तय हो चुका है। नहीं, अभी जो है हर जगह रोकने की कोशिश किया गया है, वो जो डेट तय हुआ है वो भी कैंसिल होगा। मैं तो ये 2015 से देख रहे हैं हम लोग कि डेट पर डेट, डेट पर डेट, और कोई ना कोई बहाना आता है, इसको कैंसिल कर दिया जाता है। और अगर कभी कोई परीक्षा, और भी कोई परीक्षा होती है, उसमें सेटिंग गेटिंग होता है, नौजवान इसी से नाखुश है। तो अभी क्या ये पूरे झारखंड से सभी छात्र आए हुए हैं? जी बिल्कुल, झारखंड से आए हैं, लेकिन कई बसों को रोक दिया गया है, बस पे रोका गया। 20 बस हम लोग हजारीबाग कोटरमा तरफ से आ रहे थे, जिसमें कि 5 ही बस को आने दिया गया, 15 बस को रोक दिया। चलिए तो जी आप भी कुछ कहने वाले हैं, लेकिन तस्वीरों में जो अभी आपने देखा है किस तरह से उग्रता साफ देखने को मिल रहा है, तो आइए कुछ और भी यहाँ पे कुछ और छात्र हैं जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं। जी क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे आपने कहा कि सरकार डेट निकाल चुकी है, फिर आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो सरकार जो डेट निकाली है, आप जान रहे हैं कि 2015 से लेके अभी तक डेट पे डेट निकाल रही है। अब बताइए कौन सा ऐसा सरकार को, मतलब कौन सा ऐसा एग्जाम है जो 2015 से लेके अभी तक 2023 खत्म होने वाला, सरकार अभी तक परीक्षा नहीं निकाली दे पाई है। सरकार ये जो डेट निकाली है 21 जनवरी और 28 जनवरी को, ये आनंद फानन में निकाली है, क्योंकि 21 जनवरी को सीटेट का परीक्षा है, जेएसएससी बैकलॉग का परीक्षा है। अब आप ही बताइए, जो स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम भरा है, जो जेएसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहा है, उसका भी फॉर्म भरा है, वो दोनों परीक्षा एक साथ कैसे दे? तो सरकार कहीं ना कहीं, सरकार का जो मंशा है वो परीक्षा लेने का एकदम नहीं है। ये आनंद फानन में जब हम लोग को 13 तारीख को हजारीबाग में रैली निकाले स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का, तो सरकार को पता चल गया कि जो है स्टूडेंट फिर यहाँ पे रांची में जो है राजधानी में प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो सरकार आनंद फानन में डेट निकाली है और एकदम 100% आश्वस्त है कि ये सरकार ये परीक्षा जो है 21 जनवरी को भी नहीं लेगा। आपको भी डाउट है? मतलब जी आपको भी डाउट है? जी तो अभी आपने सुना ये स्टूडेंट है, हालांकि कल हम लाइव थे और उसमें भी योगेश भारती ने यह डाउट जताया था कि यह परीक्षा नहीं होगा, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। आइए हम चलते हैं आगे और एक बार हम वहां भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से फिर जो छात्र उग्र हुए थे, हम उन तस्वीरों से भी आपको अवगत कराते हैं। भाई आपको लिए चलते हैं फिर छात्रों के पास, क्योंकि अभी आपने देखा कि एक छात्र को पुलिस उठा कर ले गई है थाने, और हालांकि फिर से छात्र एकजुट हुए हैं वहाँ पे। हम उन तस्वीरों से आइए अवगत कराते हैं कि छात्र क्या करते हैं, सुनने की जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लाइव तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं जेएसएससी कार्यालय के समीप से। तो ये लाइव तस्वीरें हैं अभी आप देख पा रहे हैं, जे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का यही ऑफिस है आप देख सकते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का
और यहाँ पर रैप के जवानों को तैनात किया गया है। तो वहीं जो ये नामकुम थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ के प्रभारी और काफ़ी संख्या में जवान यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। तो तस्वीरों में आप साफ इस वक्त देख सकते हैं। तो काफी उग्र दिख रहे थे उस वक्त छात्र जब यह मामला एकाएक बढ़ा और ऐसे में पुलिस घेराबंदी करते हुए एक छात्र को ले गई। लेकिन आइए जानने की कोशिश करते हैं कि और छात्रों का क्या कुछ कहना है। चलिए इसके बाद क्या कुछ होता है आगे तस्वीरों से फिर से आपको अवगत कराएंगे। कुछ होता है तो रिकॉर्डेड वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे। बने रहे सेंट्रल न्यूज के साथ। इसके चर्चा के लिए फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि क्या कुछ परिस्थिति है। संख्या में देखा जाए तो भारी संख्या में इस वक्त आइए आपको दिखाते हैं कि संख्या में यहाँ पे छात्र अभी तक पहुंचे हुए हैं। इन तस्वीरों से आपको एक बार अवगत कराते हैं और लगातार यहाँ पे बढ़ते जा रही है। Yeah.
आगे चलता है।